अरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपकी 23 के करीबन जो पोस्ट थी प्राइमरी लेवल की, लगभग 18 के करीबन जो है पोस्ट फिल बताई गई है और बाकी जो पोस्ट है वो फिल होनी है जल्दी आपकी और भर्ती प्रक्रिया आपकी सुचारू हो जाएगी। साथ ही अगर बात करें आज की न्यू अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि बीते 8 महीने से राज्य शिक्षा निदेशालय परिसर में यहाँ पर BA TT प्रशिक्षित बेरोजगार को जो है धरना जारी है और प्रशिक्षित बेरोजगार यहाँ पर जो है प्राथमिक जो आपकी भर्ती है सहायक अध्यापक के पद पर पद वृद्धि को लेकर यहाँ पर मांग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर BA TT जो प्रथम अभ्यर्थी हैं उनने जो यहाँ पर पद वृद्धि के लिए यहाँ पर जो है कल शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से यहाँ जो है उनके आवास पर जो है यहाँ पर मिलकर वार्ता की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कल वार्ता हुई है शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ और यहाँ पर जो BA TT अभ्यर्थी हैं, और इसमें यहाँ पर बताया गया कि उनके आवास पर जाकर उन्होंने यहाँ पर वर्तमान शिक्षा भर्ती में प्रक्रिया को चल रही इसको लेकर जो है उन्होंने मुलाकात की और वर्तमान में जो चल रही प्राथमिक शिक्षा भर्ती में जो है पदवृद्धि की मांग उठाई है। तो पदवृद्धि की मांग जो है लगातार उठा रहे हैं पदवृद्धि की मांग को लेकर। अब बात करते हैं यहाँ पर यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर क्या कहा। प्रशिक्षकों ने कहा कि यहाँ पर जो है वर्तमान भर्ती में जो है 2288 लिखा गया यहाँ पर पदों पर जो है भर्ती यहाँ पर चल रही है, लेकिन इन पदों में यहाँ पर जो है केवल DLED को यहाँ पर जो है प्राथमिक शिक्षा भर्ती में जो है वरीयता दी जा रही है। जैसे कि DLED वालों को जो डाई DLED है उनको प्राइमरी में वरीयता दी जा रही है और जिस कारण जो है BA प्रशिक्षकों के यहाँ पर जो है पद नहीं बच पा रहे ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने प्रशिक्षकों को पद वृद्धि का जो है ठोस आश्वासन दिया। तो पद वृद्धि करने को लेकर जो है शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा है कि हम यहाँ पर जो है आश्वासन देते हैं कि पद वृद्धि आपके यहाँ पर हो जाएगी। और इससे पहले कि यहाँ पर जो है सरकार में शिक्षा मंत्री रहे अरविंद पांडे ने भी यहाँ पर जो है अधिकारियों से जो है रिक्त पदों की जो यहाँ पर ब्यौरा था वो लेते हुए जो है गतिमान भर्ती प्रक्रिया 31 मार्च 2022 तक जो है यहाँ पर सेवान्वित होने वाले पदों को जो है सम्मिलित करने के निर्देश दिए थे। पहले जो शिक्षा मंत्री थे आपके रावत जी उनके द्वारा भी कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद जहाँ पर निदेशालय स्तर से यहाँ जो है अब तक जो है गतिमान भर्ती में जो है पदवृद्धि का जो है कोई आदेश यहाँ पर नहीं किया गया है ऐसा बताया गया है। और ऐसे में जो है जब तक निदेशालय स्तर से यहाँ पर जो है पदवृद्धि को लेकर कोई आदेश जारी नहीं होता तब तक जो है यहाँ पर प्रशिक्षित बेरोजगार का जो है धरना प्रदर्शन इसी तरह यहाँ पर जारी रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो BA अभ्यर्थी हैं BA TT वाले प्रथम वाले, तो उनका यहाँ पर जो है आंदोलन चलता रहेगा तब तक के लिए जब तक के लिए यहाँ पर जो है पदवृद्धि का कोई आदेश नहीं आया। हालांकि जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ पर जो है आश्वासन दिया गया है उनसे मिलने के बाद से, लेकिन पुराने जो शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा भी कहा गया था, लेकिन अभी तक आश्वासन के अलावा सिर्फ जो है ऑफिशियल अपडेट नहीं मिल पा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है इनका धरना प्रदर्शन जारी है और तब तक करते रहेंगे जब तक कि कोई ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर नहीं आ जाए ऐसा यहाँ पर अभ्यर्थी ने यहाँ पर कहा है। तब तक यहाँ पर शिक्षा निदेशालय पर धरना देंगे ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है।